अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूँ बिलाल मिर्जा। एक नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। गो नवाज गो किनारे पर ओपोजिशन इत्तेहाद बन सकता है, इमरान खान ने इंदिया दे दिया। पनामा फैसले पर नजरसानी अपील का कोई इरादा नहीं, मीडिया से बातचीत। वजीर आजम पर भी तनकीद। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पनामा फैसले के बाद ओहदे पर रहना मुनासिब नहीं, कमर जमान चौधरी को फौरी काम से रोका जाए, तहरीक इंसाफ की सिदा। दुनिया भर में इख्तलाफी नोट लिखे जाते हैं मगर कहीं भी मनफी ख्यालात सामने नहीं आते। कानून ना समझने वाले मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का इमरान खान से मुकालमा, पुरानी यादें ही ताजा। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ जराए से फंड्स इकट्ठे किए। दरख्वास्त गुजार ने नई दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इमरान खान झूठ बोलने के बायस अपनी ताकत खो चुके, अकबर एस बाबर गाली दो और फैसला लो। पीटीआई का वतीरा बन चुका दानियाल अजीज का वार। पंद्रह जून से भरपूर तहरीक चलेगी। 15 जुलाई के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहेंगे। सूबाई वजीर मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। गुजरांवाला में टीचर जल्लाद बन गई। होमवर्क ना करने पर छठी जमात की तालिबा पर तशद्दुद। 12 साल रूमा के कान का पर्दा फट गया। रेंजर्स की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस और रेंजर्स चौकियों पर हमले में मुलव्वस अलकायदा बर्रसगीर के 2 दहशतगर्द भी शामिल। और यूनुसान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कामयाबी को वालदैन की दुआओं का समर करार दे दिया।